दोस्तों, जानकारी के अभाव में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली तो 7 साल की जेल पक्की है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा इस वीडियो में कि कितने छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर केस डिसाइड किए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जहाँ मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, मैट्रिमोनियल लिटिगेशन के दौरान एक क्वेरी, एक कॉमन क्वेश्चन जो कि पति पत्नी दोनों के द्वारा पूछा जाता है, वो ये है कि क्या वो बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं, और यदि वो सेकेंड मैरिज कर लेते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम होंगे, क्या उनको जेल जाना पड़ सकता है, और यदि उनके ऊपर बाइगेमी का केस चलता है तो क्या उन्हें बेल मिल सकती है, और क्या पहली मैरिज के रहते हुए यानी कि बिना तलाक के दूसरी मैरिज करने पर उनको पनिशमेंट यानी कि सजा भी हो सकती है। इसी में कुछ और क्वेरीज भी निकल के आती हैं कि जैसे अगर पहली वाइफ को सेकेंड मैरिज के रिगार्डिंग कोई प्रूफ मिल जाता है, कोई फोटोग्राफ मिल जाती है, कोई डॉक्यूमेंट मिल जाता है, तो क्या ऐसे में पहली पत्नी उस प्रूफ के बेसिस पर बाइगेमी का केस जीत सकती है? क्या कोर्ट उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर केस में संज्ञान लेगी, और ऐसे में कोर्ट क्या सजा कर सकती है? दोस्तों, दूसरी मैरिज के रिगार्डिंग कुछ ऐसे ही सवाल पति पत्नी दोनों के मन में होते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि कानून ऐसे में क्या कहता है। तो आज हम सेकेंड मैरिज के रिलेटेड इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके ऑल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फोर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और जानते हैं कि क्या पहली मैरिज के रहते दूसरी मैरिज कर सकते हैं, और यदि दूसरी मैरिज कर ली है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना ये आईपीसी के सेक्शन 494 के अंडर एक ऑफेंस है, एक अपराध है। लेकिन यदि कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके चलते या जिनके दौरान आपने सेकेंड मैरिज की है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, 494 आईपीसी के अंडर कवर नहीं होगा। फिर चाहे सेकेंड मैरिज पति ने करी हो या सेकेंड मैरिज पत्नी ने करी हो, तो ये वीडियो पति या पत्नी दोनों ही देख सकते हैं। दोनों ही सेकेंड मैरिज के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं उनके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 494 क्या कहता है। सेक्शन 494 आईपीसी कहता है कि यदि एक स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस के रहते हुए यानी कि जिससे उसकी मैरिज हुई है, अगर पत्नी है तो पति के रहते हुए और पति है तो पत्नी के रहते हुए किसी थर्ड पर्सन से मैरिज कर लेते हैं बिना तलाक दिए, तो वो सेक्शन 494 आईपीसी में पनिशेबल है और अपराध की श्रेणी में आता है, और 494 आईपीसी के अंडर 7 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, कानून किसी भी तरह से बिना तलाक के सेकेंड मैरिज को वैलिड करार नहीं करते और उसे अपराध की श्रेणी में डालते हैं, लेकिन यही कानून की कमियां ऐसी परिस्थितियां भी देती हैं जहां पर यदि आप बिना तलाक के सेकेंड मैरिज कर लेते हैं तो भी कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो भी ऑपोजिट पार्टी चाहे वो पति हो या पत्नी हो वो भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, बाइगेमी का कानून सेक्शन 494 आईपीसी का कानून इटसेल्फ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है, क्योंकि ना तो इसमें आसानी से एफआईआर होती है और ना ही आसानी से इसमें सजा हो सकती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आसानी से इसमें सजा नहीं हो सकती, आसानी से एफआईआर नहीं हो सकती, ये आपको आगे मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सेक्शन 494 बाइगेमी का कानून जहां पर एक स्पाउस के द्वारा बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी की जाती है वो एक नॉन कॉग्निजेबल अपराध है। यहां पर अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि
कि नॉन कॉग्निजेबल अपराध क्या है। दोस्तों सरल भाषा में आपको बताऊं तो नॉन कॉग्निजेबल अपराध वो होते हैं जिसमें पुलिस का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, और पुलिस नॉन कॉग्निजेबल अपराध में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का संज्ञान खुद नहीं ले सकती है। तो चूंकि सेक्शन 494 एक नॉन कॉग्निजेबल अपराध है, ऐसे में यदि पति ने अपनी पत्नी के रहते हुए बिना डाइवोर्स के दूसरी मैरिज कर ली है तो पत्नी डायरेक्टली जाकर के पुलिस स्टेशन में पति के खिलाफ सेक्शन 494 की FIR दर्ज नहीं करवा सकती, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और इसी तरह यदि पत्नी ने पति के रहते हुए बिना डाइवोर्स के दूसरी मैरिज कर ली है तो पति भी पुलिस स्टेशन में जाकर के डायरेक्टली FIR दर्ज नहीं करवा सकता। दोस्तों इस केस में जैसा कि अन्य क्रिमिनल केसेस में होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वाले केसेस में होता है, वैसा नहीं होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस के पास पूरी पावर होती है FIR करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, अरेस्ट करने की, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस केस में पुलिस के पास FIR करने की पावर ही नहीं है और ना ही अपराध का संज्ञान लेने की पावर है, इसलिए अरेस्ट की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब बात आती है कि यदि पुलिस संज्ञान नहीं ले सकती है तो कौन इस ऑफेंस का संज्ञान लेगा। दोस्तों जो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उनका संज्ञान, उनकी कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट कोर्ट लेती है, तो ऐसे में यदि बाइगेमी अपराध का संज्ञान लेना है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट को लेना होगा। दोस्तों अभी तक की इन्फॉर्मेशन थे, अभी तक के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, आपकी कुछ ना कुछ टेंशन तो कम हो गई होगी। अब आपके माइंड में एक सवाल और आएगा कि ठीक है कि इस केस में FIR नहीं हो सकती है और केस मजिस्ट्रेट के सामने चलेगा, लेकिन क्या बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट बाइगेमी के केस में जहां पर 7 साल की सजा का प्रावधान है उस केस में बेल देंगे या नहीं देंगे? दोस्तों यहां पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि 494 IPC का अपराध एक बेलेबल अपराध है, और बेलेबल अपराध वो होते हैं जहां पर बेल लेना आपका अधिकार बन जाता है। कोर्ट आपको बेल देने से, जमानत देने से मना नहीं कर सकती है, बेल एज ए राइट आपको दी जाएगी। दोस्तों यहां तक आपके मेजरली 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि बाइगेमी के अपराध में एक तो पुलिस कंप्लेंट नहीं होगी, पुलिस FIR नहीं होगी, दूसरा ये कि ये केस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलेगा, मजिस्ट्रेट ही इस केस में संज्ञान ले सकते हैं, और तीसरा ये कि बाइगेमी का अपराध एक बेलेबल ऑफेंस है और बेल एज ए राइट आप इसमें ले सकते हैं। दोस्तों अब इसमें और थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि केस कोर्ट में चलेगा और पुलिस का कोई भी रोल नहीं है तो कंप्लेनेंट को कोर्ट के सामने ये प्रूव करना होगा कि आपने दूसरी मैरिज करी है। उसे ये प्रूव करना होगा, साबित करना होगा कि आपने पूरे रीति रिवाज के अनुसार पहले स्पाउस के रहते हुए उसे बिना तलाक दिए दूसरी शादी करी है। यानी कि कोर्ट में बाकायदा ये एविडेंस देना होगा कि आपने दूसरी शादी करी है, ये नहीं कि शादी का आरोप है तो कोई फोटो दिखा दिया या कोई व्हाट्सएप का स्टेटस दिखा दिया या आप किसी से बात कर रहे हैं उसका कोई वीडियो दिखा दिया और आरोप लगा दिया कि आपने दूसरी शादी करी है, या कोई सुनी सुनाई बातें हैं उसके ऊपर आरोप लगा दिया। दोस्तों इन सब के बेसिस पर बाइगेमी का अपराध प्रूव नहीं होगा, ये कोई एविडेंस माना नहीं जाएगा, और कोर्ट या कानून शादी को तभी मानता है जब वो प्रॉपर रीति रिवाज के अनुसार की गई हो। तो ऐसे में जो भी कंप्लेनेंट है उसे ये प्रूव करना होगा, ये साबित करना होगा, ये एविडेंस देना होगा कि शादी, जो दूसरी शादी की बात कर रही है, वो पूरे रीति रिवाज के अनुसार से की गई है, जो भी कस्टम्स हैं, जो भी सेरेमनीज हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो किया गया है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। इसके साथ ही और एविडेंस भी देने पड़ेंगे, जैसे कि ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं, और वो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स किस कैमरे से खींची गई हैं, किसके द्वारा खींची गई हैं, कहाँ खींची गई हैं, ये सब भी प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है सेकेंड मैरिज को प्रूव करने के लिए या बाइगेमी के अपराध को प्रूव करने के लिए। और साथ ही ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि बिना तलाक के दूसरी मैरिज की गई है, यानी कि कंप्लेनेंट को अपनी मैरिज को भी प्रूव करना पड़ेगा, साथ में ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि अभी तक आप दोनों का तलाक नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि सेकेंड मैरिज को प्रूव करना एक कंप्लेनेंट के लिए, जहां पे पुलिस का कोई भी रोल नहीं है,
जो भी एविडेंसेस हैं वो कंप्लेनेंट ने खुद ही कोर्ट के सामने लेकर के आने हैं, ये कितना मुश्किल काम है। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप को प्रूव करना बहुत ही आसान है, लेकिन सेकेंड मैरिज को प्रूव करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक स्पाउस के रहते हुए बिना तलाक दिए और बिना दूसरी शादी किए दूसरे पर्सन के साथ रहते हैं, संबंध बनाते हैं, और वो लिव इन रिलेशनशिप में आता है और बिल्कुल भी अपराध नहीं है। दोस्तों, बाइगेमी के केस में आपने कुछ बातें और भी ध्यान रखनी है कि यदि बिना तलाक लिए आपने दूसरी मैरिज कर ली है और ऐसे में यदि आपकी सेकेंड वाइफ कोर्ट में आकर के गवाही देती है, स्टेटमेंट देती है कि हाँ उसने आपके साथ सेकेंड मैरिज करी है, तब ये कन्फर्म हो जाता है कि आपने सेक्शन 494 के तहत बाइगेमी का अपराध किया है, या यदि आप खुद भी इस बात को एडमिट कर लेते हैं तो भी सेक्शन 494 का अपराध प्रूव हो जाता है। यदि आप खुद या आपकी वाइफ इस बात को एडमिट ना करें तो कंप्लेनेंट के द्वारा इस अपराध को प्रूव करना, साबित करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि केस में पत्नी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं जहां पर कि पति और सेकेंड वाइफ दिख रहे हैं, तो ऐसे में यदि कोई फोटोग्राफ है, कोई डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार कार्ड है जिसमें कि सेकेंड वाइफ का नाम है, या किसी और गवर्नमेंट आईडीज में हस्बैंड वाइफ का नाम उन्होंने लिखवा रखा है, तो ये डॉक्यूमेंट्स केस में सपोर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन ये इटसेल्फ सेकेंड मैरिज को प्रूव नहीं करते हैं। सेकेंड मैरिज को प्रूव करने के लिए कंप्लेनेंट को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि शादी को प्रूव करना होगा, और शादी को प्रूव करने के लिए शादी के सभी रीति रिवाजों को प्रूव करना पड़ेगा, पंडित जी की गवाही करानी पड़ेगी, और जिस जिसने शादी अटेंड करी उनमें से किसी न किसी विटनेसेस को, गवाह को उनकी गवाही करानी पड़ेगी, तब जा कर के शादी प्रूव होगी। अगर ऐसा है तो ही केस में सज़ा होगी, अन्यथा केस में सज़ा नहीं होगी, क्योंकि मैरिज ही प्रूव नहीं होगी। दोस्तों, बाइगेमी के केस में सज़ा के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि इस केस में दूसरी मैरिज को प्रूव करना ही इटसेल्फ बहुत मुश्किल है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 100 में से केवल 4 या 5% केसेस ही सक्सेसफुल होते हैं, 95% केसेस में सेकेंड मैरिज प्रूव ही नहीं होती है, तो ऐसे में सज़ा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, इसके बाद एक पॉइंट और भी आपके माइंड में ज़रूर आएगा, वो ये है कि यदि एक स्पाउस शादी से बाहर जा कर के किसी और से रिलेशन बनाता है, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहता है, तो वो भी तो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अडल्ट्री के सेक्शन को, अडल्ट्री के ऑफेंस को ख़त्म ही कर दिया गया है। दोस्तों, जानकारी के अभाव में ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली तो 7 साल की जेल पक्की है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा इस वीडियो में कि कितने छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर केस डिसाइड किए जाते हैं, और बाइगेमी का केस यानी कि दूसरी शादी को प्रूव करना उतना ही मुश्किल है। दोस्तों, इस वीडियो को, इस टॉपिक को बनाने का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पहली शादी के रहते सेकेंड मैरिज करें, दूसरी मैरिज करें, या बाइगेमी जैसा अपराध करें। ये वीडियो केवल और केवल जानकारी देने के लिए बनाया गया है, और दूसरा पर्पस ये भी है कि उन लोगों को मदद मिले, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, जो अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ से तंग आ चुके हैं, मैट्रिमोनियल लिटिगेशन चल रही है, पति पत्नी से तलाक लेना चाहता है लेकिन पत्नी तलाक नहीं दे रही, या दूसरी तरफ पत्नी पति से तलाक लेना चाहती है लेकिन पति तलाक नहीं दे रहा। मैट्रिमोनियल केसेस चलते सालों साल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत सालों से अलग रह रहे हैं, तो ये नेचुरल है कि पति या पत्नी जो कि एक दूसरे से अलग रह रहे हैं उनका रुझान किसी और व्यक्ति की तरफ हो जाए, और कई बारी ऐसे में सेकेंड मैरिज की गलती भी कर बैठते हैं। तो ये वीडियो उन सभी को अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए है कि यदि उन्होंने गलती कर दी है तो उसका इलाज क्या है, कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, और कैसे आपने अफवाहों से या गलत इन्फॉर्मेशन से दूर रहना है। और दूसरी तरफ कंप्लेनेंट, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उसे भी ये पता होना चाहिए कि बाइगेमी को उसने किस तरह से प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि केवल आरोप लगा देने से या कोई फोटोग्राफ दिखा देने से बाइगेमी प्रूव हो जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो बाइगेमी के रिगार्डिंग। सेक्शन 494 IPC को हमने डिस्कस किया, साथ ही हमने डिस्कस किया कि क्या
बिना तलाक किए दूसरी मैरिज कर सकते हैं, और यदि सेकंड मैरिज कर ली है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या परिणाम होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।